एक बार मुझे किसी ने एक बात समझाई थी। उन्होंने मुझे कहा कि दुनिया के अंदर 100 तरीके के लोग हैं, हर किसी का अपना बर्ताव है, हर किसी का अपना व्यवहार है, हर किसी का अपना अलग तरीका होता है बात करने का, हर किसी का अपना अलग रहन सहन होता है। अगर कोई आपके साथ में बुरा करे ना, तो उसके साथ में कभी भी आप बुरा व्यवहार मत करो, और उसको पलट के आप उसके साथ में जैसे को तैसा मत करो। मुझे किसी ने ये बात समझाई थी, मुझे उस टाइम ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोच रहा था कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं जैसे को तैसा बन के नहीं दिखाऊंगा तो लोग तो मुझे पागल समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे। शुरुआती दौर के अंदर बहुत साल पहले मैं भी जैसे को तैसा वाला जो एक रूल था उसको फॉलो करता था। किसी ने बदतमीजी करी, उसको जवाब दे दिया, उसको समझा दिया दूसरे तरीके से। किसी ने कुछ नुकसान किया तो उसको, नुकसान तो नहीं किया खैर, पर मंशा रखी उसका भी नुकसान हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब आध्यात्मिक जीवन में तरक्की हुई, आगे बढ़ा मैं, मुझे एक बात समझ में आई कि जिसने मुझे ये बात समझाई थी बिल्कुल ठीक समझाई थी। आप जैसे को तैसा मत करना कभी भी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि आप और उसके इंसान के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा, आप दोनों एक ही कैटेगरी के इंसान हो जाओगे। मुझे ये बात बहुत बाद में समझ में आई। उससे क्या होगा, अगर आप जैसे को तैसा नहीं करोगे तो आपके अंदर एक संतुष्टि रहेगी ज़िंदगी के अंदर, और आप ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करोगे। सच की जगह